तो भाई अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, अगर आपने फोटोशॉप पे काम करना है, कॉरल ड्रॉ पे काम करना है, उसके बाद भाई अगर आपने अडोब इन डिज़ाइन पे काम करना है, इन्फिनिटी डिज़ाइनर पे काम करना है, तो यार ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई ऐसा लैपटॉप सर्च आउट कर रहे हो जिसको आप लॉन्ग टाइम पर रख सको, एंड अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 2,00,000 है, तो भाई ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, इसके ऊपर मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो में। प्लस आपको कहना चाहता हूँ, आज मैं बहुत लैपटॉप बताने वाला हूँ, ठीक है, वो बहुत लोडेड होने वाले हैं, स्किप आउट मत कर लेना, एक आधा पीछे मत छोड़ देना यार। अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन टॉबिनॉस, द वेलकम टू दी ऑसला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 तक हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,00,000 है, तो इस प्राइस रेंज में भाई मैंने रखे हैं 3 लैपटॉप, ठीक है। तीनों लैपटॉप आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं भाई। अगर आपने 3D सॉफ्टवेयर पे काम करना है, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो, लॉन्ग टाइम 3D लैपटॉप को रख सकते हो, ज़्यादा समय खराब नहीं करते। सीधी बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ, नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है असूस सेट्रिक्स G15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, सबसे पहले आपको एक स्टाइलिश डिज़ाइन तो मिल ही जाता है, उसके बाद ये स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत तगड़ा है भाई। आपको 90,000 के बजट में इतने सही स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं कि किसी और लैपटॉप के और आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 3D सॉफ्टवेयर पर काम करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, आर्किटेक्चर हो, आप सभी के लिए परफेक्ट डील हो सकता है। आप लॉन्ग टाइम पीरियड यूज़ कर सकते हो, प्लस आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी मिलने वाली है, ठीक है। आपको 144 रिफ्रेश रेट के साथ इसकी डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलेगी, जो कि भाई आपके लिए ही बेस्ट डील होने वाली है, बिकॉज आपको डिस्प्ले पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि आपको 90,000 के बजट में कितने सही स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं। अभी बात करते हैं डिस्प्ले की, तो आपको 15.6 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS लेवल डिस्प्ले, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको i5 भी मिल जाएगा, आपको i7 भी मिल जाएगा, लेकिन जो 90,000 में बजट मिलता है ना, उसमें आपको i7 देखने को मिलेगा 10th जनरेशन के साथ। स्टोरेज की बात करूँ, उसमें आपको 16GB रैम मिल जाएगी, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको GTX 1650 Ti 4GB मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडो 10 देखने को मिल जाएगी। बैटरी की बातों को 7 to 8 आवर्स का बैटरी लाइफ दे देगा। प्राइस की बात करूँ, जो मैं वीडियो बात कर रहा हूँ ना, वो आपको यार 90,000 के बजट में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने जाना है, अगर आपने देखना है, तो भाई आप देख भी सकते हो। अभी ज़्यादा समय खराब नहीं करते, सीधी बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पर यार मैंने रखा है ASUS ROG Zephyrus G14 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ भाई, अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो करनी है, उसके साथ साथ आपको एक स्टाइलिश लैपटॉप चाहिए, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस 2020 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एंड सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला लैपटॉप है ASUS ROG Zephyrus G14। बहुत लोगों ने इसको परचेज किया, इंटरनेशनल क्रिएटर्स इसको बहुत पसंद करते हैं। प्लस आपको 4.5 रेटिंग देखने को मिल जाती है, डुअल फैन मिल जाते हैं, एंटी डस्ट कूलिंग मिल जाती है, इसकी भी डिस्प्ले बहुत सही है, जो कि आपको 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। तो भाई अगर आपने गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, 4K ट्राई करना है, 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कॉलेज के लिए चाहिए, यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए, अगर आप टीचर हो, पढ़ाते हो, पढ़ते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा आपको मैं डीपली बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बात हूँ, आपको 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिलता है 4600HS के साथ। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको NVIDIA G4 RTX 1650 4GB मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, विंडो 10 मिल जाता है। बैटरी लाइफ की बात करूँ, आपको 10 आवर्स का बैटरी लाइफ दे देगा, ठीक है। प्राइस की बात करूँ, आपको 90,000 के बजट में ASUS ROG Zephyrus देखने को मिल जाता है, एंड इसका स्टार्टिंग 90,000 से हो जाती है। इसका प्राइस आपको 1,00,000-1.5 लाख के बजट तक भी आपको ASUS ROG Zephyrus देखने को मिल जाएगा, मतलब उसके स्पेसिफिकेशन ज़्यादा तगड़े हो गए। इसमें आपको Ryzen 5 मिल जाएगा, उसमें आपको Ryzen 7 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको 8GB मिलती है, उसमें आपको 16GB रैम देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको RTX 1650 मिलेगा, उसमें आपको RTX 2060 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिलते जाएंगे। अगर आपने जाना है ASUS ROG Zephyrus G14 की, और ये लैपटॉप भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको इस लैपटॉप के भी बता दिए, अभी आगे बात करते हैं नंबर 1 की।
नंबर वन की बात करूँ या नंबर वन पर मैंने रखा है एसर कॉन्सेप्ट डी को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ तो यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर आप करते हो ना, आपका जो ज़्यादा जोर है ना वो आँखों का लगता है, आपको डिस्प्ले तगड़ी मिलनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ एसर कॉन्सेप्ट डी की, इसमें आपको 4K डिस्प्ले मिल जाती जो कि सच में मैटर करती है। प्लस इसके स्पेसिफिकेशन पूरे लोडेड है एंड इसका प्राइस भी आपको 80,000 से स्टार्ट हो जाता है। इसका प्राइस भी आपको 1.5 लाख के बजट तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लेना जो भी आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए आप उसके और जा सकते हो। अभी बात करते हैं अगर आपका 90,000 से लेके 1 लाख बजट है ना, इस प्राइस रेंज में जो स्पेसिफिकेशन आपको मिलेंगे मैं उसकी बात करने लगा हूँ, ठीक है। डिस्प्ले की बात करूँ आपको 15.6 इंच 4K UHD मतलब अल्ट्रा HD डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको i5 8th जनरेशन के साथ मिलेगा। स्टोरेज की बात करूँ आपको 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो 32GB तक, प्लस 512GB आपको SSD देखने को मिलेगी। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको AMD Radeon RX Vega 4GB मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ विंडोज 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ आपको 7 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस आपको 85,000 से लेकर 95,000 के बजट में Acer Concept D ये स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Acer Concept D के भी। अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको बता दिया अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1 लाख है, इस प्राइस रेंज में मैंने रखे थे 3 लैपटॉप, वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी आगे बात करते हैं अगर आपका बजट 1 लाख से लेकर 1,20,000 या 30,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं अगर आपका बजट 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक भी हो जाता है इस प्राइस रेंज में, मैंने फिर से यार रखे हैं 3 लैपटॉप। ये 3 लैपटॉप भी आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं जिस पर आप लॉन्ग टाइम पीरियड काम कर सकते हो। जो भी आपको सही लगता है आप उसके और चल जाना, अभी ज़्यादा समय खराब नहीं करते। बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ। नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है ASUS ZenBook Duo को, ठीक है। इसमें आपको 2 देखने को मिलेंगे, ASUS ZenBook Duo भी मिल जाएगा, ASUS ZenBook Pro भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो प्रो का प्राइस की बात करूँ वो 1,40,000 से स्टार्ट हो जाता है, उसका प्राइस तो चलो 2 लाख तक चल जाता है। अभी बात करूँ ASUS ZenBook Duo की, तो यार ये जो है वो आपको 1,20,000 से लेकर 1,40,000 के बजट तक देखने को मिल जाता है, ठीक है। आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो सेकंड डिस्प्ले है वो आपको टच स्क्रीन देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा तगड़ी है भैया। इसकी डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बात करें इसके स्पेसिफिकेशन भी आपको तगड़े देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, कार्टून ड्रॉ करना है, उसके बाद भी अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, इसीलिए तो ये स्पेशली बनी हुई है, ठीक है। अभी बात करते हैं तो डिस्प्ले की, आपको 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS लेवल डिस्प्ले है। सेकंड डिस्प्ले की बात को 12.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS लेवल डिस्प्ले, ये भी मिल जाती है जो कि टच डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बात करूँ आपको i7 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बातों को 16GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिलेगी। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको NVIDIA GeForce MX250 मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बातों को 10 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। प्राइस की बात करूँ ये स्पेसिफिकेशन आपको 1,25,000 के बजट में देखने को मिल जाएंगे। तो भाई अगर आपने जाना है ASUS ZenBook Duo की और तो भाई आप जा सकते हो। अभी नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 पर यार मैंने रखी है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस 3 को। तो भाई अगर आपको एक स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, प्लस अगर आपको कलर भी मैटर करते हैं, प्लस भाई अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, मतलब अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, अपनी मेन टॉपिक की बात ही करने लगा हूँ, कोई मतलब डिफरेंट टॉपिक की बात नहीं करने लगा, ठीक है। ये भी जो आपको सर्फेस 3 देखने को मिलती है ना, ये भी पूरी लोडेड मिल जाती है। इसका भी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी मिल जाती है। स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिलते जाएंगे। ये 90,000 से स्टार्ट हो जाती है, इसका प्राइस आपको 2 लाख के बजट तक भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी डिस्प्ले की बात करूं आपको 13.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि टच डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करूं आपको i5 10th जनरेशन के साथ मिलती है। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है, प्लस 128GB स्टोरेज, ठीक है। SSD देखने को मिलेगी, इसमें आपको 256GB मिल जाएगी, 512 मिल जाएगी, 1TB तक भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने 8GB की ओर जाना जा सकते हो, अगर आपने 16GB रैम की ओर जाना आप जा सकते हो, अगर आपने 32GB रैम की ओर जाना वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं आपको इंटेल एरिस प्लस भी मिल जाएगा, GTX 1640 भी मिल जाएगा, 1660 Ti भी मिल जाएगा, ठीक है। जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन मिलते जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडोज 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ आपको 11 आवर्स का बैटरी लाभ मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ आपको 90,000 से स्टार्ट हो जाती है, 2 लाख के बजट तक देखने को मिल जाती है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस 3। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस 3 के भी बता दिया, मैं बोलता बोलता थक गया, ठीक है। अभी आगे बात कर लेते हैं नंबर 1 की।
नंबर वन की बात करूँ, नंबर वन पर यार मैंने रखी है HP स्पेक्टर X360। तो यार बहुत क्रिएटर्स के पास आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादातर आपको इंटरनेशनल क्रिएटर्स के पास ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है, बिकॉज इसकी डिस्प्ले बहुत तगड़ी है। आपको टच स्क्रीन मिल जाती है जो कि 4K डिस्प्ले है, ठीक है। प्लस आपको i7 भी मिल जाएगा, 8GB रैम भी मिल जाएगी, 16GB रैम भी मिल जाएगी, 32GB रैम भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर भी आप नहीं जाना है, आप जा सकते हो, जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलता जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूं, आपको 15.6 इंच 4K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि टच स्क्रीन है, जो कि HP पेन के साथ आती है। अगर आपने यूज़ करना है, मतलब यूज़ करोगी यार, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ करते हो तो भाई करोगी, ठीक है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको i7 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूं, 16GB रैम मिल जाती है, प्लस 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको GTX 1660 Ti मिल जाता है 4GB के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, विंडोज 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूं, आपको 3 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। प्राइस की बात करूं, आपको 1,20,000 के बजट से लेके 1,30,000 के बजट में HP स्पेक्टर X360 देखने को मिल जाएगी। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको HP स्पेक्टर X360 के भी बता दिया। अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना, आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिए जो कि आपको 1,20,000 से लेके 1,30,000 के बजट तक देखने को मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख है या 2 लाख है इस प्राइस रेंज में, भाई मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि आप एप्पल मैकबुक 13 की ओर चल जाना, या फिर आप एप्पल मैकबुक प्रो की ओर चल जाना। बात करूँ मैं एप्पल मैकबुक 13 की, तो वो आपको 1.5 लाख के बजट में मिल जाएगी। एंड आपने 8GB रैम की ओर तो बिल्कुल भी नहीं जाना, आपने 16GB रैम की ओर जाना है, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान में रखना, उसमें आपको प्रोसेसर बहुत तगड़ा मिल जाता है, आपको M1 चिपसेट के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए, ये तो आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है, बिकॉज क्रिएटर्स के लिए मैकबुक तो परफेक्ट डील हो सकती है, ठीक है। अभी बात करते हैं एप्पल मैकबुक प्रो की। तो भाई अगर आपका बजट 2 लाख है, किसी और लैपटॉप की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई अगर आपने कोई भी मतलब 3D वर्क करना है, एज अ क्रिएटर काम करना चाहते हो, एज अ डेवलपर काम करना चाहते हो, तो एप्पल मैकबुक प्रो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। तो यार अभी मैं बात कर लेता हूँ एप्पल मैकबुक प्रो के मेन स्पेसिफिकेशन की, ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करने वाला। तो यार डिस्प्ले की बातों को 13 इंच 15 डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS टेक्नोलॉजी डिस्प्ले। प्रोसेसर की बातों को i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बातों को 16GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को macOS मिल जाता है। बैटरी की बात करूं, आपको 7 to 8 आवर्स का बैटरी लाभ मिल जाता है। प्राइस की बातों को 2 लाख के बजट में एप्पल मैकबुक प्रो देखने को मिल जाएगी। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको एप्पल मैकबुक प्रो के भी बता दिया। अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना, आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिए जो कि पूरे लोडेड है। भाई अगर आपने लॉन्ग टाइम पे काम करना है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, 3D वर्क करना चाहते हो, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। अगर आप 90,000 के बजट में ASUS ZX G15 भी ले लेते हो ना, सच बताऊंगा यार वो लैपटॉप भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। एंड भाई अगर आप एप्पल मैकबुक प्रो ले सकते हो, ये तो बनी क्रिएटर्स के लिए, ये तो बनी डेवलपर के लिए। तो भाई आप देख लेना, जो भी आपके प्राइस में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो। मेरा फर्ज था आपको टॉप लैपटॉप बता देना, मैंने आपको बता दिया। जो भी लेना चाहते हो, आपके पैसे खराब नहीं होने वाले। मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पैसे खराब नहीं होने वाले, सीधी सी बात है यार। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक करें, इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू करना। भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।